हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इजी टू वर्ल्ड चैनल। आज का टॉपिक है हमारा ये ड्रेन पंप के मुतालिक, ये फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन टॉप लोड, उसका ये ड्रेन पंप है सैमसंग वॉशिंग मशीन का। 11 kg की वॉशिंग मशीन है। इसका मॉडल है सैमसंग एक्टिव ड्यूल बबल वॉशिंग मशीन। उसका ये ड्रेन पंप है। 11 kg की वॉशिंग मशीन है। ये इस पंप के साथ एक मोटर भी लगी है जो ड्रेन का काम करती है। ये 220 की मोटर कहलाती है। ये 220 पे वर्क करती है। इसको पावर 220 चाहिए होती है इस मोटर को, तो इससे ये पंप काम शुरू कर देता है। मशीन का ड्रेन करने का काम करता है पंप। मशीन का जो पानी होता है इसको ड्रेन करने का काम करता है। कोई कचरा वगैरह इसमें आ जाए तो उसकी सफाई वगैरह करनी पड़ती है, इसे खोलना पड़ता है। अगर मोटर ख़राब हो जाए तब भी इसको खोल के चेंज करनी पड़ती है मोटर। ये पंप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सैमसंग फ्रंट लोड या टॉप लोड 11 kg में लगा होता है। ये इस पंप में ये आपको 3 सुराख नज़र आ रहे हैं। इसमें ड्रेनेज का सुराख है, एयर का सुराख है और इसके वाटर लेवल के पाइप का सुराख है इसमें। इसका काम ये है कि ड्रेन करना वॉशिंग मशीन को। हम इसको खोल के आपको चेक करवाएंगे कि इसमें क्या मसला है और किस तरह ये वर्क करता है ड्रेन पंप हमारा। ये 3 स्क्रू इसमें लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप, स्टार के 3 स्क्रू लगे हुए हैं इसमें। ये पंप खोलने से पहले मोटर के साथ से पहले इसको मार्क कर लेना चाहिए। मार्क करने के बाद फिर आप आसानी से इसे खोल सकते हैं कि दोबारा फिक्स करने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो, वो इजीली फिक्स हो जाए ये पंप हमारा। सबसे पहले हम इसको मार्क करेंगे, मार्क करके फिर हम इसको खोलेंगे और फिर आपको चेक करवाते हैं कि किस तरह ये वर्क करता है, कि आया कि हमारी मोटर सही है ख़राब है, क्या मसला है इसमें। ये देख सकते हैं कि हमने पंप को मार्क कर लिया है, निशान लगा लिया है कि हमारे को बंद करने में आसानी हो। ये इसके 1, 2, 3 स्क्रू लगे हुए हैं मोटर के, इसके साथ हम इन को खोलेंगे। ये आसानी से हम इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके स्क्रू को खोल लेंगे हम। ये देख सकते हैं आप, तीसरा स्क्रू भी हमने इसका खोल लिया है। ये देखें, इसके 3 स्क्रू खुल चुके हैं और आप इसको देख सकते हैं। ये देखें, ये पंप की कंडीशन देख सकते हैं आप, इसकी सील लगी हुई है इसमें, देखें। ये सर्विस करने का काम आता है कि यहाँ से खोल के इसमें कचरा वगैरह पानी वगैरह निकालने के लिए, इसकी सफाई करने के लिए इसे खोल सकते हैं आराम से हम। ये देखें, किसी साइडों में वो कचरा वगैरह आ जाए, किसी किस्म का कोई सफाई करनी है तो इजीली इसे खोल के पंप को आप इसमें सफाई कर सकते हैं इसकी। ये इसकी मोटर देख रहे हैं, ये इसमें 220 देने पे मोटर से वर्क करता है कि जिस पॉइंट के आ गया है तो वो सेव हो जाता है, वो ड्रेन का पानी नहीं निकलता इससे, देख सकते हैं आप इसको। ये इस मोटर में लाइन न्यूट्रल, हम इसको आपको चला के दिखाते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है इसकी, ये काम कर रही है कि नहीं कर रही कॉइल हमारी। बज़ाहिर तो हमें सही नज़र आ रही है, किसी किस्म की कोई मसला तो नहीं इसमें। ये इसकी सील लगी हुई है रबड़ इसकी, देख सकते हैं आप। अगर ये नहीं होगी तो इसमें लीकेज की प्रॉब्लम आएगी, पानी निकलना शुरू हो जाएगा इससे,
इसको आप 220 पे भी चेक कर सकते हैं और सीरियस लाइन पे भी आप इसको लगा कर चेक कर सकते हैं क्या है कि मोटर वर्क कर रही है सही या मोटर में कोई प्रॉब्लम है। ये देख सकते हैं कि हमने एक सीरीज लैंप ले ली है। अब सीरीज लैंप में इसको चेक करेंगे मोटर को, क्या है कि हमारी मोटर सही है कि ख़राब है, वर्क प्रॉपर कर रही है कि नहीं कर रही है। हम इसको पावर देके चेक करते हैं सीरीज पे। ये देख सकते हैं आप, ये हमने सीरीज पे इसको पावर दे रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, कि हमारी मोटर जो वर्क कर रही है, देख सकते हैं इसके अंदर। ये देख सकते हैं इसका फैन घूम रहा है, प्रॉपर वर्क कर रही है मोटर। ये देखें इसको लाइन न्यूट्रल जब देते हैं तो फौरन ये स्टार्ट हो जाता है। ये ड्रेन करने, ये जो है ये मोटर ड्रेन का काम करती है। जैसे इसको लाइन न्यूट्रल मिलेगी तो ये ड्रेनेज का काम शुरू कर देगा और ड्रेन का पानी निकल जाएगा सारा ड्रेन के थ्रू। ये देखें, ये हमारा पंप जो है काफ़ी हद तक, इसमें ये मालूम हुआ कि हमारा पंप जो है वो सही है, इसकी मोटर सही वर्क कर रही है। सिर्फ इसमें कचरा था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था। ड्रेन पंप का तो आपको पता लग गया है कि इसी मोटर का चेक करने का एक इस तरह चेक करते हैं कि इसकी लाइन न्यूट्रल है। इसमें सीरीज में आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन सीरीज में इसको दो पॉइंट होते हैं लाइन न्यूट्रल के। आप इसको निकाल के देखें, एक जगह लाइन दूसरे न्यूट्रल देके भी चेक कर सकते हैं और सीरीज भी चेक कर सकते हैं कि हमारा मोटर जो है सही वर्क कर रही नहीं कर रही। इस मोटर को आप चेक कर सकते हैं, अगर तो ये फूल घूम रहा है फूल तो समझो ये ठीक वर्क कर रहा है, सही बिल्कुल वर्क कर रहा है। अगर नहीं, अगर जाम है तो यहाँ से इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये सील के ऊपर कवर लगा हुआ है, ये कवर खुल सकता है आराम से। इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको इस तरह करके, ये देखें, ये इसको आराम से इस तरह करके खोल के, अगर जाम हो तो इसको आप खोल सकते हैं, इसकी मदद से आप खोल के इसको सही कर सकते हैं। और इसकी सील का खास ख्याल रखना है कि सील लाजमी लगी रहे इसकी। अगर सील ख़राब हो जाए तो दूसरी लगा दें, चेंज कर दें इसकी, वरने तो इससे ही होता है कि ड्रेन में से पानी निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा करके और टप हमारा खाली हो जाता है इस तरह करके। ये हमारा पंप बिल्कुल सही है, पंप मोटर में कोई मसला नहीं है, मोटर सही वर्क कर रही है। इसमें आपको चेक करने का बता दिया कि मोटर किस तरह चेक करते हैं इसकी। ये 220 की मोटर होती है और अगर ये जाम हो जाए तो इसकी मोटर, तो इसको खोल के कवर को, तो इसकी आप सफाई कर सकते हैं। इसके नीचे भी कचरा वगैरह आ जाता है जिसकी वजह से ये हमारा पूल ऊपर का जाम हो जाता है पंखा इसका। मेरी इस वीडियो में काफ़ी हद तक मोटर के बारे में मालूम हो चुका है कि पंप की मोटर को किस तरह चेक करते हैं इसको और कैसे ये वर्क करती है। अब हम इसको दोबारा इसको फिक्स कर देंगे मोटर को पंप के साथ और फिर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमारी ड्रेन पंप की जो मोटर जो है वो सही वर्क कर रही है। देखें बिल्कुल मूवमेंट सही है इसकी, मोटर हमारी सही वर्क कर रही है, किसी किस्म की कोई मसला नहीं है मोटर के अंदर। ड्रेन पंप हमारा बिल्कुल ओके है। इसमें कचरा वगैरह आ जाए तो आप इसकी सफाई कर सकते हैं और किसी किस्म का कोई इसमें मसला नहीं है। हमारे ड्रेन पंप में बिल्कुल ओके हैं। मेरी इस तरह की टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपको, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या मसाइल होते हैं और इसके क्या क्या फॉल्ट आते हैं और किस तरह वो रिमूव किए जाते हैं ड्रेन पंप के। इजी टू वर्ल्ड चैनल, शुक्रिया।